देवरिया हत्याकांड से पूरा देश हिल गया है। इस केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। देवरिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई। इस हत्याकांड के बाद मृतक सत्य प्रकाश दुबे का परिवार आक्रोशित है। सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने सीएम योगी से इस मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। देवेश ने कहा है कि योगी सरकार आरोपियों को सख्त सजा दे। देवेश ने कहा है कि मेरा परिवार खत्म करने वाले दानव जब तक मिट्टी में नहीं मिलेंगे तब तक मुझे ठंडक नहीं मिलेगी। इसके साथ ही देवेश ने कहा कि हमारी जमीन छल कपट से हड़पी गई है, उसे भी सरकार वापस दिलाए। पुलिस की सुरक्षा में रखे गए सत्य प्रकाश दुबे के बड़े बेटे देवेश अभी भी सदमे में है। उनका कहना है, जिन लोगों ने मेरे परिवार खत्म कर दिया सरकार उन्हें कठोर से कठोर सजा दे। मेरे परिवार को निर्ममता पूर्वक खत्म कर दिया गया। हमला करने आए प्रेम के घर परिवार के लोगों ने दानवों का रूप ले लिया था। ऐसे दानवों को जब सरकार मिट्टी में मिलाएगी तभी मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। ये कहते हुए देवेश रोने लगा। देवेश ने इसके साथ ही कहा, ऐसी आफत किसी के सामने ना आए। छल कपट से जो हमारी जमीन हड़पी गई वो वापस मिलनी चाहिए। वो जमीन मेरे बाप दादा की है, इस पर सिर्फ हमारा हक है। इससे पहले भी मृतक सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई थी। तब भी देवेश ने योगी से अपराधियों को सख्त सजा देने की मांग उठाई थी। हमारा तो मान लीजिए परिवार चला गया, लेकिन उनका परिवार नहीं बचना चाहिए। क्या चाहते हो सरकार से? क्या मांग? सरकार से यही निवेदन है कि उनको, उनके पूरे खानदान वालों को पूरी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और रह गई बात की हमारे, ताकि जीवन में किसी के परिवार को आके उठा कर ताकि। बता दें कि देवरिया हत्याकांड में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए रुद्रपुर तहसील के SDM, CO समेत राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। कुल 15 लोगों पर विभागीय कार्रवाई की गई है। ये बताता है कि योगी सरकार इस मामले में एक्शन मोड में है और वो किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शने वाली नहीं है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।